देखिए रीजनिंग के वीडियो का ये पार्ट टू है और पहले पार्ट में हमने बात की थी। पहला टॉपिक आपका अल्फाबेटिकल सेक्शन में अल्फाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण के बारे में हमने आपको बताया। उससे रिलेटेड हमने आपको क्वेश्चन बताए थे और उसके आगे का पार्ट आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और जो उस टाइप से कितने टाइप उसमें पूछे जाते हैं सारे इस वीडियो में आज मैं बता दूंगा। तो देखते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, प्रत्येक अक्षर का अपना एक कोड होता है। और किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर निकालने के लिए उस अक्षर के कोड को 27 से घटा देते हैं, इतना मैंने आपको बताया था। और अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी बताए थे कि बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर क्या होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको बताए थे। उसके आगे का आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन और बनते कौन कौन से हैं। जैसे एक टाइप आपका ये बनता है कि एक क्वेश्चन है और उसमें आपसे कह रहा है कि यदि शब्द कॉन्ट्रास्ट में उतने ही अक्षर युग्म बनते हैं, कहने का मतलब यह है क्वेश्चन का कि शब्द कॉन्ट्रास्ट में ऐसे कितने अक्षर युग्म बनेंगे जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में बनते हैं, मतलब प्रत्येक अक्षर के बीच में उतना ही अंतर अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, तो यहां पे इस तरीके के कितने अक्षर युग्म बनेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अक्षर युग्म में आपका पेयर बोला जाता है, जोड़ा बोला जाता है, तो कितने अक्षर युग्म बनेंगे। तो अक्षर युग्म बनते कैसे है वो चीज पहले देखिए। क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि अक्षर युग्म आपको निकालना कैसे है। जैसे आपके इंग्लिश अल्फाबेट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, इस तरीके से आगे पूरी अंग्रेजी वर्णमाला है आपकी। तो जैसे अगर यहां पे ए और डी के बीच में दो अक्षर आते हैं, ए और डी के बीच में दो अक्षर आते हैं, तो यहां पर भी अगर ए और डी आता है और उसके बीच में दो अक्षर आते हैं तो एक अक्षर युग्म बनके तैयार हो जाता है। कहने का मतलब जितना अंतर यहां पे प्रत्येक अक्षरों के बीच में होगा उतना ही अंतर अगर यहां पे मिलता है तो वो एक आपका अक्षर युग्म बनता है। जैसे यहां ए के तुरंत बाद बी आ रहा और इसमें भी ए के तुरंत बाद बी आता है तो एक जोड़ा बनता है, एक अक्षर युग्म बनता है। ए और बी ई के बीच में अगर देखें तो कितने अक्षर हैं, तीन अक्षर हैं। यहां पर भी अगर ए और ई के बीच में तीन अक्षर आते हैं तो वो एक आपका जोड़ा बनता है। लेकिन यहां पर कोई ये शर्त नहीं लगती कि अगर ए और ई के बीच में ये तीन अक्षर बी सी डी आते हैं तो यहाँ पे जो दिया गया शब्द है उसमें भी आपके बी सी डी ही आने चाहिए, ऐसी कोई शर्त नहीं होती है। तीन अक्षर का मतलब है कोई भी तीन अक्षर हो, मतलब तीन अक्षरों का अंतर होना चाहिए। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में अक्षर युग्म जो पूछता है एक तरफ से नहीं पूछता है, दोनों तरफ से पूछता है। क्वेश्चन कैसे देता है मैं आपको बताता हूं कि यदि शब्द कॉन्ट्रास्ट में ऐसे कितने अक्षर युग्म बनेंगे जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में बनते हैं आगे और पीछे दोनों दिशाओं से। तो आगे से मतलब इधर से देखेंगे एक बार और एक बार देखेंगे इधर से। ठीक, तो इधर से पहले देखेंगे तो करेंगे क्या कि इनके आप कोड लिख लीजिए। तीन ओ का 15, एम का 14, टी का 20, आर का 18 होता है, ई का 5, एस का 19, टी का 20 होता है। तो अब आपको देखते जाना है, जैसे तीन है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी मिला, जो आप कोड तीन से आगे आपने पढ़ना शुरू किए वो कोई कोड आपको मिला, नहीं मिला तो कोई भी अक्षर युग्म सी से नहीं बना। 15 से देखते हैं
16, 17, 18। तो 15 और 18 के बीच में देखिए दो अक्षर आते हैं। आप अंग्रेजी वर्णमाला में भी देखेंगे तो ओ और आर के बीच में दो अक्षर आते हैं। ओ आता है, ओ के बाद पी आता है, फिर क्यू आता है, फिर आर आता है। तो ओ और आर के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में भी दो अक्षर आते हैं और इस शब्द में भी आपके ओ और आर के बीच में दो अक्षर मिले। ठीक, अब इसके आगे भी चेक करना होता है कि ओ से और कोई तो नहीं बन रहा। 18 हो गया था, 19, 20, 21 नहीं मिलना। ठीक, अब 14 से देखेंगे। 14 है 15, 16, 17, 18, 19 कोई नहीं मिला। 20 से देखेंगे 21, 22, 23, 24 नहीं है ना। 18 से देखेंगे 19, 20, 21 यहाँ पर भी नहीं मिला। 5 के बाद 6 और 7 आता है, जबकि 6 7 है नहीं। क्या है यहाँ पर? 19 और 20 है। 19 के बाद एक 20 आता है, तो एक अक्षर अच्छा भी ये बना। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखेंगे इस तरफ से, ठीक है, इस तरफ से हम देखेंगे। अगर से देखिए 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 कोई मिला? नहीं मिला। एक बात और बता दें, जैसे 27 यहां पर आया, अगर यहां पर ए होता तो एक बनता। क्यों? क्योंकि 26 पर आपकी जेड पर अंग्रेजी वर्णमाला समाप्त हो जाती है, उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है इस तरीके से तो 27 पे फिर क्या हो जाता है? फिर ए आ जाता है। ठीक है, तो अब मैं से देखेंगे 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं बना। 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बना। 18, 19, 20, 21, 22 नहीं बना। 20, 21, 22, 23 नहीं है। 14 के बाद एक क्या बना? 15 बन गया। एक जोड़ा ये बना, 15 के बाद 16 आता है, जबकि यहाँ पे कितना दिया गया? 3। तो कितने अच्छे भी बने? 1, 2, 3 इस तरीके से इस क्वेश्चन में आपके तीन अक्षर युग्म बनके तैयार हो गया। ठीक, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। यदि हम आपसे कहें ऑनेस्टी, ऑनेस्टी की बात करें, इसमें कितने अक्षर बने? आप कोड से भी देख सकते हैं या अक्षरों से भी देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम कोड से ना बता के आपको अक्षरों से बताएंगे। ठीक है, जैसे आपको पहले इस तरफ से देखना है तो एच है, एच के बाद आई जे के एल एम एन कोई मिला? नहीं मिला। ओ से देखेंगे पी क्यू आर एस टी नहीं मिला। एम के बाद ओ पी क्यू आर नहीं मिला। ई के बाद एफ जी एच नहीं है। एस के बाद टी आता है, एक मिला। टी के बाद क्या आता? यू आता है, जबकि यहां पे बाई है तो यहां पर बनेगा नहीं। अब इस तरफ से तो आपका एक बन गया, अब इस तरफ से देखेंगे कितने बनेंगे। ठीक है, बाई जेड ए बी सी डी ई नहीं मिला। टी यू वी डब्ल्यू एक्स बाई नहीं मिला। एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं है। ई एफ जी एच, ई और एच के बीच में देखो आपका दो अक्षर आते हैं, यहां पर भी दो अक्षर आए, एक बन के तैयार हुआ। एन ओ, एक ये बन गया। ओ के बाद पी आता नहीं है, एक यहां बना और दो यहां पर बन गए। दो और एक कितने बने? टोटल टोटल तीन अक्षर युग्म आपके बन के तैयार हो गए। समझ में आया? ठीक है, अब इसके बाद अगला टाइप जो आपका बनता है वो क्या बनता है वो देखिए। अगला टाइप जैसे क्वेश्चन बनता है कहा जाए या का अर्थ, इसका मतलब क्या होता है? क्वेश्चन दिया जाता है जैसे नारंगी को आसमान कहा जाए, या इस तरीके से कह सकता है कि नारंगी का अर्थ आसमान हो, यह भी हो सकता है। आसमान को बैगनी कहा जाए, बैगनी को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को फल कहा जाए, सॉरी फल नहीं,
वृक्ष को हरा कहा जाए? हरा को पानी कहा जाए तो फल किस पर लगेंगे? एक ये क्वेश्चन बनता है आपका। तो आप देखिए, फल आपका जो आंसर क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा क्या गया, फल, फल लगते किस पे हैं? आपको ये देखना है कि सबसे पहले जो वास्तविक आंसर होता है, जो सही आंसर है, वो क्या होता है। फल, फल लगता किस पे है? वृक्ष पे। और वृक्ष को देखिए, आप उसने क्या कहा, वृक्ष को हरा बोल दिया उसने। तो फैक्ट के आगे वाला मतलब जो सही आंसर है उसका क्या अर्थ बता दिया, क्या कह दिया उसको, वही आपका आंसर होता है। तो वृक्ष को उसने हरा कह दिया तो फल किस पर लगेंगे? हरा पर। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला टाइप देखते हैं। यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इससे एक यही बनता है क्वेश्चन, इसमें और कुछ नहीं घुमा के दे सकता आपको, बस इतना कर सकता है कि कहा जाए कि जगह के बीच में कर देगा। नारंगी का अर्थ आसमान हो, आसमान का अर्थ बैगनी हो, बैगनी का अर्थ वृक्ष हो, वृक्ष का अर्थ हरा हो, हरा का अर्थ पानी हो, इतना कर सकता है। इसके अलावा और कोई चेंज नहीं हो सकता इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप इस तरीके से बनता है, जैसे अगर वो कहे 123 को यू आर गुड, मतलब 123 का अर्थ यू आर गुड है, 345 का अर्थ गुड बॉय इज है, 500 26 का अर्थ बॉय आर हिम हो, माफी चाहते हैं कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो हमने क्या बताया, 123 का अर्थ यू आर गुड हो, 345 का अर्थ गुड बॉय इज हो, 526 का अर्थ बॉय आर हिम हो। तो आर का कोड क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो आर का भी पूछ सकता है या पूरा एक सेंटेंस भी बना सकता है। सेंटेंस किस तरीके से बना सकता है कि यू गुड बॉय का कोड क्या होगा, ठीक है। तो हम दोनों को बताएंगे कि इसका कोड कैसे आएगा, इसका कोड कैसे आएगा, प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक शब्द का हम आपको कोड बताएंगे कैसे निकलेगा। देखिए, 123 का अर्थ ये बताया, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। हम तीनों को क्या करेंगे, एक समीकरण मान लेंगे कि ये सर पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा समीकरण है, ठीक है। अब यहां पर देखते क्या है, समीकरण बनाने के बाद आप लेफ्ट साइड पे देखिए, पहले और दूसरे समीकरण क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे दोनों साइड से। तो पहले लेफ्ट साइड पे मतलब बाएं तरफ देखिए क्या कॉमन है, आपका यहां पे 3 कॉमन है, ठीक है। इस साइड क्या कॉमन है, इस साइड आपका गुड कॉमन है, ठीक। तो इस तरफ 3 कॉमन है, तुलना करने पे हमें पता चला इस तरफ 3 कॉमन है, इस तरफ गुड कॉमन है, तो 3 का कोड क्या हो गया, गुड हो गया, ठीक। दूसरे से तीसरे में तुलना करेंगे कि दूसरे और तीसरे तुलना पर हमें क्या मिलता है। तो इस दोनों में देखिए आप, यहां पे 5 कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इस
इसको अलग तरीके से पहचान बना लेते हैं इसकी। इसमें पांच कॉमन है, इसमें बॉय कॉमन है। तो हमें क्या पता चला, पांच का कोड क्या होता है, पांच का कोड बॉय है इसमें, ठीक। अब तीसरे और पहले की तुलना करिए, तो तीसरे और पहले की तुलना करेंगे तो हमें देखिए तीसरे और पहले में क्या कॉमन मिल रहा, दो। तीसरे और पहले में दो मिला, देखिए यहां पे क्या मिला हमें, आर मिला, ठीक। तो इस तरीके से प्रत्येक अक्षर का कोड निकल के आ गया। अब यहां देखिए, यहां बचा ए, यहां बचा यू, तो यू का कोड कितना हो गया, एक हो गया। यहाँ एज बचा है, एज का कोड क्या हो गया, फोर हो गया। यहाँ हेम बचा, यहाँ छह बचा, तो हेम का कोड क्या हो गया, छह हो गया। इस तरीके से प्रत्येक शब्द का हमने, प्रत्येक शब्द का हमने कोड निकाल लिया। अब देखिए आर का पूछा गया है, आर का आप देखिए क्या है, दो निकाला था आपने, देखिए निकाला था, नहीं निकाला था, तो आर का कोड क्या निकला, दो। यू गुड बॉय अगर सेंटेंस दे देगा इस तरह से तो कैसे निकालेंगे आप, तो यू गुड बॉय, यू का कोड देखिए क्या है, यू यहां पर है, यू का कोड क्या आया, एक। गुड का कोड क्या आया, तीन। और बॉय का कोड क्या आया, पांच। तो आपका क्या निकल के आया, यू गुड बॉय का जो कोड निकल के आया 135 निकल के आया। तो इस तरीके से और क्वेश्चन बनते हैं। अगर यहाँ आपका चौथा समीकरण भी देता है तो आप पहले और दूसरे की करिए तुलना, फिर दूसरे और तीसरे की करिए, फिर तीसरे और चौथे की करिए, फिर चौथे और पहले की करिए, फिर चौथे और दूसरे की करिए, पहले और तीसरे की करिए। मतलब जब तक कॉमन मिलता रहे आपस में समीकरण में, तब तक आप तुलना करते रहिए, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई, ठीक है। तो रीजनिंग बहुत ही सिंपल और लॉजिकल सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़िए, आसानी से आ जाएगा। ये टेंशन मत लीजिए कि रीजनिंग हमें आती नहीं है, आएगी नहीं, थोड़ी सी कोशिश आप करिए, थोड़ी सी कोशिश हम करेंगे, जितना हो सकता है उतना बताएंगे आपको, ठीक। तो ये आपके अल्फाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण के जो टाइप आपके पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताया, जो क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछे जा रहे हैं वो मैंने आपको बताया, किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं और आते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आंख बंद करके आप उसकी तैयारी करिए। आप आंख बंद करने का मतलब है कि 101% श्योर कंफर्म होता है कि ये टॉपिक आने हैं। कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, प्रीवियस पेपर उठा के आप देख लीजिए, आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे कंफर्म होता है कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो मैं आपको बताता चलूंगा। और सबसे पहले वही टॉपिक आपको उठाऊंगा और बताऊंगा जिससे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे वीडियो का हो, और अभी आपकी SSC GD की वैकेंसी भी आ गई है, कोई भी एग्जाम हो, अभी की वैकेंसी से नहीं कह रहा हूं मैं, एनीबडी कोई भी वैकेंसी हो, आपकी रीजनिंग वही पढ़ाऊंगा जो पूछी जाती है, ऐसी रीजनिंग नहीं पढ़ाऊंगा जो आपकी नहीं पूछी जाती है, आपका टाइम वेस्ट करवाऊं, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा जिससे, और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करता रहूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।